उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर 120 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें हाथरस के सिकंदरा राव में फुलरई गांव में एक सत्संग आयोजन किया गया था। भोले बाबा का सत्संग का आयोजन वहां पर हुआ था जिसमें भगदड़ मच गई। हादसे में 120 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही इस हादसे में 100 से अधिक श्रद्धालु भी घायल हो गए। इसमें महिलाएं बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखिए, खुद सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है कि घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं मौत के। कुछ देर पहले सीएमओ ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहां मैं खड़ा हूं वहां पे 27 शव आ चुके हैं, जिसमें दो मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं? 27। और कुछ घायल भी आए हुए हैं? घायल भी हैं। सर, क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो सत्संग के दौरान, हाँ, ये सुना है सर सत्संग। और देखिए, जानकारी के अनुसार अचानक सत्संग के दौरान ये भगदड़ मच गई और जो तमाम अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं, भगदड़ का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि कहा ही जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को एक जगह पर रोक लिया था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस कारण कई लोग मौके पर बेहोश हो गए थे। फिलहाल प्रशासन की तरफ से घटना की जांच की जा रही है। डीएम समेत कई आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। देखिए, हाथरस समेत पूरे इलाके में भोले बाबा काफी समय से सत्संग करवाते हैं। वो पहले पुलिसकर्मी थे और भोले बाबा का सत्संग शुरू किया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 10 सालों से सत्संग चलता है और मंगलवार को भी हाथरस के सिकंदरा राव के रत्ती भानपुरा में सत्संग हो रहा था। सत्संग में करीब 5 से 10 हजार लोग जुटे थे। रिपोर्ट्स के माने तो गर्मी ज्यादा थी और बाद में भगदड़ मच गई और एक के ऊपर एक लोग भागने लगे, जिसकी वजह से लोगों की वहां पर जान गई। अभी तक 120 लोगों की मौत की खबर है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एटा के अस्पताल में भी ले जाया गया, कुछ को सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। देखिए, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई हजार लोग मौजूद थे और आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, मगर जो प्रशासन को भक्तों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी उससे कहीं ज्यादा भक्त वहां पर मौजूद थे। ये भी एक हादसे का बड़ा कारण बताया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अच्छी तैयारी नहीं की थी। अनियंत्रित भीड़ और उमस के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। वहां मौजूद कुछ लोगों से जब अमर उजाला की टीम ने बात की तो उनका कहना था कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग निकलने लगे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और तभी अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए, कई लोगों की जान चली गई। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि कई लोग जो उनके साथ आए थे उनकी भी जान चली गई, वो खुद भी दब गई थी। बाद में उनको वहां से निकाला गया, किसी तरीके से बच पाई, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। आखिर इस लापरवाही की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था अगर वहां पर ठीक होती, गर्मी जितनी ज्यादा है उसके हिसाब से अगर व्यवस्था की गई होती कुछ, तो शायद ये बड़ा हादसा नहीं होता और इतने सारे लोगों की जान नहीं गई होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।